अच्छा, देवघर से हिरण आती है तो यहाँ पे अलग से दिखती है सरस्वती नदी? देखो सामने से आती है। जब ये पूर्ववाही सरस्वती केवल एक प्रभास में ही स्थित है। अच्छा, बाकी हर जगह पर लुप्त है, बोलते हैं यहाँ से प्रकट है वहाँ पर लुप्त है, ये एक ही संगम है शायद। पूर्व से देखो सामने सरस्वती और कपिला आती है। आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा बताते हैं कि सरस्वती नदी दिखती है। वैसे हिंदुस्तान में ही माना जाता है सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन त्रिवेणी संगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी दिखती है। चलिए सफर को शुरू करते हैं। तो अभी हम आए हैं तीन नदियों के संगम में। ये सोमनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं तीन नदियाँ कपिला, हिरण और अदृश्य नदी सरस्वती का संगम है। तो चलिए घाट पर जाके इस संगम का आनंद लेते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। त्रिवेणी संगम के इस गेट से, मेन गेट से अंदर घुसते ही हमें इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पक्षी हैं, साथ ही में पक्षियों के लिए दाना भी है, तो आप पक्षियों के लिए दाना भी खरीद सकते हैं। मछलियों के लिए दाना भी यहाँ पे मिल रहा था। लाइन से यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। त्रिवेणी संगम है ये सोमनाथ मंदिर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। अंदर घुसते ही हमें सामने देखने को मिली मोरारजी देसाई, हमारे पुराने प्रधानमंत्री की एक प्रतिमा। मोरारजी देसाई जो थे वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, तो उसके लिए यहाँ पर इनकी मूर्ति है। यहाँ पर मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पोजीशन संभाली है, क्योंकि उसके पहले कोई भी पीएम नहीं थे। सिर्फ मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। इस साइड घाट हैं और मंदिर भी हैं जहाँ पर लोग आराम से नहा रहे हैं। भाव इतना तेज़ नहीं है, लेकिन समुद्र में संगम है तो फिर थोड़ा सा गहराई में रिस्की हो जाता है। देखिए, जैसे हमने बेट द्वारका जाते वक्त ये पक्षी देखे थे, आप हाथ में दाना रखिए तो ये पक्षी अपने आप खाना ले जाएंगे, और बहुत सारे हैं यहाँ पे पक्षी। देखिए वो, देखिए रेलिंग बन रही है कि उस रेलिंग से पीछे ही आप नहाएं, क्योंकि उसके आगे पानी गहरा हो सकता है। अक्सर अगर आप देखें तो जो संगम होता है उसके तट पर बहुत ही प्राचीन आपको जो है शिवलिंग देखने को मिलेंगे। ये मैंने हर जगह पर देखा है। और ऐसे आप आगे तक जाके आराम से यहाँ पर संगम का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कलयुग जब तक रहेगा जब तक सरस्वती, गंगा और यमुना पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर तीन मुख्य नदियों में से एक नदी सरस्वती नदी का संगम है। ऐसा बताते हैं यहाँ पर हिरणा पिला और विलुप्त नदी सरस्वती का संगम समुद्र से होता है, अरब सागर से होता है। ये पूर्ववाही सरस्वती केवल एक प्रभास में ही स्थित है। अच्छा, बाकी हर जगह पर लुप्त है, बोलते हैं यहाँ से प्रकट है वहाँ पर लुप्त है, ये एक ही संगम है शायद। पूर्व से देखो सामने सरस्वती और कपिला आती है। अच्छा, देवघर से हिरण आती है। तो यहाँ पे अलग से दिखती है सरस्वती नदी? देखो सामने से आती है। जब आप बिस्तरी का और सादा पानी देखा करोगे तो क्या होगा, पानी तो एक ही रंग होता है ना, पानी का कोई अलग रंग नहीं होता, तो पानी सब मिलके एक ही बन जाता है। ये पूरा संगम है। अच्छा, ये जब बाढ़ आती है तो ये संगम है, समुद्र से मिलता है, अरब सागर। हाँ, सागर से मिलता है। यहाँ पर कृष्ण परमात्मा ने 56 करोड़ यादव को मोक्ष दिया। भगवान के चरणों में ही सबका मोक्ष होता है, पर भगवान यहाँ क्यों पधारे, क्योंकि यहाँ पर ये तीन नदियों का संगम है और ये एक ही संगम ऐसा है जो समुद्र से मिलता है। पितर लोक है, यम लोक है, सब है साउथ में, समुद्र में, दक्षिण में होता है, तो ये एक ही संगम है जो समुद्र से मिलता है। बाकी गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे बहुत सारे संगम हैं, पर वो किसी समुद्र से नहीं मिलती है, इसलिए भगवान वहाँ नहीं गए, यहाँ प्रभास में आए और 56 करोड़ यादवों को यहाँ पर मोक्ष दिया। ये भगवान घर में भी
शादी करो यहाँ त्रिवेणी संगम के बहुत पास है श्री राम मंदिर। कहते हैं सोमनाथ में शिव जी हैं, श्री कृष्ण हैं और यहाँ पर इसी वजह से श्री राम का मंदिर भी बना दिया गया है। तो अभी हम आए हैं सोमनाथ वाले नए मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर श्री राम मंदिर। ये मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर ही है, तो आप सोमनाथ दर्शन करने आए तो उसके बाद सीधे रास्ते पर पड़ता है श्री राम मंदिर। चलिए आपको अंदर जाके दर्शन कराते हैं। पूरा मंदिर का परिसर है। मंदिर का निर्माण सोमनाथ ट्रस्ट ने 2017 में किया था। इस मंदिर के अंदर आपको श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और साथ ही में गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पे श्री राम मंदिर। दर्शन कीजिए आप श्री राम के। देखिए गर्मी यहाँ पर बहुत है लेकिन जो समुद्र है वो ठीक सामने है, तो इस वजह से बहुत ठंडी हवा हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हवा तो अच्छी है लेकिन हाँ गर्मी का आप इंतज़ाम ज़रूर करके आइए क्योंकि गर्मी अच्छी खासी है यहाँ पे। मंदिर से भी, सोमनाथ मंदिर से भी हमें समुद्र दिखता है पीछे और यहाँ से भी आपको दूर समुद्र दिखाई दे रहा होगा। सब दिवाली पे जो पूजन होता है उसकी ये सब प्रतिमाएं गणेश जी की। तो अब दर्शन हो गए हमारे श्री राम के, चलिए अब आगे चलते हैं अगले मंदिर के दर्शन की ओर।